हरियाणा प्रभारी के बयान पर सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, सांसदों के चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं, बाकी जो पार्टी का फैसला होगा वो मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुमारी सैलजा है, हरियाणा की नेता है और AICC में एक वरिष्ठ पद पे आप बैठी हुई हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। दीपक बावरिया ने कल एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी लोकसभा सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्या अभी भी आप उस बयान पे कायम है जब आप बोल रही थी कि आपको चाहती हैं चुनाव लड़ना? मुझे लगता है कि पूरा उनका बयान नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतिम हाईकमान का ही फैसला होगा और यही हम कह रहे हैं कि अंतिम फैसला तो अगर कोई भी, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी सीनियर नेता लड़ते हैं तो वो फैसला तो हाईकमान का ही होता है। दीपक बावरिया क्योंकि प्रभारी हैं, उन्होंने आज की बैठक के बाद ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि विधायक का चुनाव लड़ा जाए। जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा वो मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे बढ़ सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। उनके बयान को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद एक नया बयान उनकी तरफ से आया है? देखो, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, जो भी बयान वो दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। एक और सवाल है, क्योंकि आप लगातार बोल रही हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप इच्छुक हैं, आपने स्क्रीनिंग कमेटी के नेताओं से मुलाकात भी की है, क्या अभी भी आप चाहती हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें? देखो, बात ये है, जो ये बात एक बार नहीं बार बार आ चुकी है, लेकिन अब स्क्रीनिंग कमेटी का काम भी शुरू हो गया और फाइनल ठप्पा हमेशा हाईकमान का, CEC का लगता है। और जैसा मैंने कहा, जब सीनियर नेता चुनाव लड़ें ना लड़ें इसका फैसला हाईकमान ही करता है। स्क्रीनिंग कमेटी में बातचीत चल रही है हमारी, जनरल डिस्कशंस हो रही हैं, पूरी स्टेट का मामला है, 90 हलकों का मामला है, कई पहलू हैं, तो उन सब पर चर्चा अभी चल रही है और चलेगी। अभी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं हरियाणा में, क्या कांग्रेस पार्टी जो है जीत हासिल कर पाएगी और क्या आंकड़ा इस बार कांग्रेस पार्टी का रहेगा हरियाणा में? मुझे लगता है जीत का आज के दिन कोई शक नहीं रहा, जीत बिल्कुल है, और बल्कि आप देखेंगे कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे वर्कर बहुत उत्साहित हैं और उससे भी ज़्यादा हरियाणा की जनता आज के दिन बिल्कुल कांग्रेस की सरकार चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे कुमारी सैलजा का एक दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आज भी वो अपने बयान पे कायम है कि वो चाहती है चुनाव लड़ना, हालांकि पार्टी आलाकमान तय करेगा कि चुनाव लड़वाना है या नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली।